Hi everyone, this is Asish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hi everyone, now we are going to do question number 5. First part, the circumference of a circular flower bed is 88 meter. Find its area. तो हमको यहाँ पर circumference दिया है circular flower bed का और हमको एरिया पता करना है. तो एरिया निकालना बहुत आसान होता है अगर हमारे पास रेडियस हो तो, लेकिन रेडियस नहीं है इस क्वेश्चन में. तो सबसे पहले सरकमफेरेंस के थ्रू हमको फाइंड करना होगा रेडियस. तो चलिए रेडियस का फॉर्मूला लगाते हैं. हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल सी अपॉन 2π. दिस इज़ द फॉर्मूला. यहाँ पे सी सरकमफेरेंस है, इसको रख देते हैं 88, 2 और पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लगाएंगे 22/7. अब ये अपॉन 7 जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा न्यूमरेटर में. तो 88 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 हो जाएगा. 22 से 88 कटेगा तो 4 जा आ जाएगा और 2 से कटेगा तो 2 जा. इसका मतलब हमारा जो रेडियस था वो आ जाएगा 14 मीटर. ये हमारा रेडियस हो जाएगा. और रेडियस आने के बाद हम एरिया को फाइंड करेंगे. हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वेयर, वेयर पाई इज इक्वल्स टू 22/7 एंड रेडियस इज 14. तो 14 मल्टीप्लाई 14 टू टाइम्स. अब उसके बाद हम रिड्यूस करेंगे 7 से 14 को तो हमारा 2 जाएगा यहाँ पर. और 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 44. 44 मल्टीप्लाइड बाई 14 करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम तो हो जाएगा यहाँ पर 14 4 जा 16, 6 आ जाएगा. और 14 4 जा 56, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर. 5 हमारे पास कैरी बचेगा. 14 4 जा 56, 7 8 9 10 और 61. तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये 61, यानी 616 मीटर स्क्वायर हमारा ये इस सर्कुलर फ्लावर बेड का एरिया आ जाएगा. और यही हमको फाइंड करना था तो हमारा ये आंसर हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा 5 नंबर का सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में देखिए दिया गया है द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 15400 मीन्स 15400 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट सरकमफेरेंस. तो सरकमफेरेंस भी हमारा निकलता है रेडियस की हेल्प से और एरिया की हेल्प से. हम सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे तो हम लगाएंगे फार्मूला रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई. तो स्क्वायर रूट ऑफ एरिया अपॉन पाई, एरिया को हम रख देंगे 15400 वॉट एवर इज गिवेन हियर. पाई का वैल्यू पुट अप करेंगे 22/7. देखिए पाई का जब कोई गिवन वैल्यू होता है तो वो रखते हैं, अदरवाइज हम हमेशा 22/7 रखते हैं. अब कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे, 7 चला जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको मिलेगा 15400 यानी 15400 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22. 22 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 700 मल्टीप्लाई 7 इसका होल स्क्वायर रूट. और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4900 स्क्वायर रूट. और स्क्वायर रूट करेंगे 4900 का तो हमको मिल जाएगा 70. देखिए इसका स्क्वायर रूट करना भी बहुत आसान होता है. जो 4900 हम लिखते हैं, मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे 4900 लिखा हुआ है. इस 4900 में हम देखेंगे कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो जाता है 7 और 00 जो हमारा दिया रहता है इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स हमारा 70 हो जाएगा 4900 का स्क्वायर रूट. तो 70 हमारा आ चुका है और ये हमारा यूनिट आएगा यहाँ पर मीटर, बिकॉज मीटर इज़ गिवन इन द यूनिट. अब हमको इस रेडियस की हेल्प से सरकमफेरेंस फाइंड करना है तो हम लिखेंगे सरकमफेरेंस इज इक्वल्स टू 2πr, जहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस रख देंगे 70. 7 जो है वो 70 को रिड्यूस करेगा 10 टाइम्स और 22 टू जा करेंगे तो हो जाएगा हमारा
44 इंटू 10 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 440। और सरकमफेरेंस है तो इसका यूनिट सिंगल डायमेंशन में रहेगा, यानी मीटर में ही रहेगा। इस तरीके से हमने इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लिया है और इस क्वेश्चन का हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 6 हियर। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इफ़ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है। देखिए, लास्ट जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट होता है जिसमें दो रेडियस होती है इस तरीके से, और 1/4 पार्ट होता है हमारे सर्किल का इस तरीके से। तो इसको हम क्वाड्रेंट बुलाते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट का आपको एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, क्वाड्रेंट का जो एरिया होगा वो सर्किल के एरिया का 1/4 होगा। तो हम सर्किल का एरिया निकालेंगे, फिर उसे 1/4 कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमको गिवन नहीं है तो हम 22/7 लगाते हैं, आप जानते हैं इस बात को। रेडियस हमने 7 × 7 रे रखा है यहाँ पे, 7 को रिड्यूस करेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 22 और 7 को, तो हमको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा एरिया ऑफ सर्किल आ गया। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल एरिया ऑफ सर्किल अपॉन 4। तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा दिया गया था 154 अपॉन 4 कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। सो नाउ वी विल हैव टू डिवाइड 154 बाय 4। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे हम, 3 और 4 बचेगा, उसके बाद 8 जा और 38 हमारा यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद भी हमारा पॉइंट बचेगा और वो हो जाएगा 5 जा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आया 38.5। ये आंसर जो आपका आएगा ये पॉइंट में आएगा 38.5, और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया ही है। एरिया को हमने एरिया का 1/4 पार्ट निकाला है एरिया अपॉन 4 करके, तो इसका यूनिट तो सेम रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना आंसर डाल देंगे कि ये हमारे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का आंसर है।